जितने पद हैं यहाँ सरकारी पद हैं, ये सरकारी पद बेचे जाते हैं, चाहे शिक्षक का हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या मजिस्ट्रेट का हो। अंडर हैंड डीलिंग नहीं हो सका तो उसका अन्य कारणों को लगा करके उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये वैसे हाथ के में चला गया गलती से एक पेपर जो कस्टमर नहीं था, रियल कस्टमर नहीं था, तो इस तरीके से पेपर लीक का एक ड्रामा चल रहा है। सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को सजा हो जाएगी, लेकिन सजा नहीं होगी। मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट है जहाँ से ये सारा कुकर्म होता है। कुछ आईएएस ऑफिसर जो बहुत ट्रस्टेड हैं, दूसरे कैडर के लोग हैं, उनको यहाँ लाया गया है इसी काम को कराने के लिए। इस भ्रष्ट सरकार को अविलंब जाना चाहिए, इसका व्यवस्था जनता को सोचना चाहिए। मुझे कहने में मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो बिहार के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि वाइस चांसलर का पोस्ट बेचा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में BPSC का प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले वायरल हो जाता है, और आपको बताएं कि आज 28 दिन हो गए, साइबर सेल जांच कर रही है, लेकिन अभी तक गुनहगार नहीं पकड़े गए हैं और न ही BPSC के अंदर जांच हो पाई है। क्या हो रहा है दिशा? और इसके अलावा आपको बताएं कि MBBS का भी एग्जाम चल रहा था BN कॉलेज में, और एग्जामिनेशन से पहले उसके भी प्रश्न पत्र वायरल हो गए थे, एग्जाम को रद्द करना पड़ा। हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद, और आपको बताएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े सदस्य हैं अरुण कुमार जी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, आखिर बिहार में क्या हो रहा है कि 1949 में स्थापना हुआ BPSC का, लेकिन अभी तक पहली बार सुशासन की सरकार में ही ऐसा हुआ कि एग्जामिनेशन से पहले 150 के 150 प्रश्न पत्र वायरल हो गए और जाँच में अभी तक गुनहगार नहीं पकड़े गए हैं? देखिए, गुनाहगार पकड़े भी नहीं जाएंगे। जो गुनाहगार है उसी के मातहत जांच एजेंसी है, जो गुनाहगार है उसी के मातहत जांच एजेंसी है। ये BDO और CO को पकड़ने चल रहे हैं, इसका जेनेसिस कहाँ है, कहाँ से जन्म हुआ है? जितने पद हैं यहाँ सरकारी पद हैं, ये सरकारी पद बेचे जाते हैं, चाहे शिक्षक का हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या मजिस्ट्रेट का हो। जहाँ पद बेचने का एक पूर्ण व्यवस्था है, यहाँ तक किया है इस सरकार में कि यदि ग्राहक नहीं जुटे खरीदने वाले, अंडर हैंड डीलिंग नहीं हो सका तो उसका अन्य कारणों को लगा करके उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। यदि कुछ फेयर हो गया, ये लीक नहीं हुआ है, ये गलती से वैसे आदमी के हाथ में चला गया, पेपर तो दिया ही जाता है, बांटा जाता है, बेचा जाता है, ये वैसे हाथ के में चला गया गलती से एक पेपर जो कस्टमर नहीं था, रियल कस्टमर नहीं था, तो इस तरीके से पेपर लीक का एक ड्रामा चल रहा है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूँ कि हम जिस सरकार के खिलाफ पूरे राजनीतिक कैरियर को लगाया, उससे वर्ष सरकार आ गई। सुशासन उसको कहें या जितना अलंकार उसके साथ जोड़ दें, जमीन पर हकीकत यह है कि गवर्नेंस है ही नहीं, जीरो गवर्नेंस। ब्यूरोक्रेसी सबसे करप्ट है, कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ इस सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है, तो कौन पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? और समय समय पर जब सरकार पकड़ में आने वाली होती है तो केंद्र सरकार इसकी रक्षा भी कर देती है। जैसे सृजन घोटाला में कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, CBI जांच कर रही है, लेकिन सोया हुआ है फाइल। सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को सजा हो जाएगी, लेकिन सजा नहीं होगी। यहाँ तो न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका सब प्रभावित है,
लेकिन फिर भी अभी न्यायपालिका बचा हुआ है, जिसके वजह से आम लोग, आवाज़ उठाने वाले लोग भी जिंदा हैं, नहीं तो ये तो सबको दफना देते ये। सर किंग पिन कौन है आखिर, जो आप इशारों में बता रहे हैं सुशासन की सरकार है और जांच भी वो करवा रहे हैं? मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट है जहाँ से ये सारा कुकर्म होता है। कुछ आईएएस ऑफिसर जो बहुत ट्रस्टेड हैं, दूसरे कैडर के लोग हैं, उनको यहाँ लाया गया है इसी काम को कराने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, पद बेचने के लिए, सारा कुकर्म करने के लिए उनको लाया गया। आप तो गिने हुए लोग हैं जिनको लाया गया है, तो कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये मैं नाम क्यों लूं? ऐसे ही सरकार से तनावपूर्ण स्थिति है, मेरा सब सिक्योरिटी छीन लिया और वैसे लोगों को सिक्योरिटी दिया जा रहा है जो बाहुबली हैं, जो ऑपरेशन करते हैं। इसलिए हम लोग तो डरते नहीं हैं, लेकिन अब परिवार उरवार का दबाव बन गया, उम्र भी हो गया, बन जाता है काहे के लिए आप बोलते हैं क्या नतीजा निकलने वाला है। लेकिन मन नहीं मानता है कि इन चोरों के वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हैं, 10 साल 5 साल 8 साल आँख सेकते रहते हैं किताब के साथ अनवरत, न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, और पता क्या चलता है कि बिक्री हो गई, पोस्ट ही बिक गई, मेधा घोटाला लालू जी की सरकार में मेधा घोटाला हुआ था जिसका ध्यानाकर्षण मैंने लाया था, सीबीआई से जांच हुई, लोग पकड़े गए, यहाँ तो एक नहीं पकड़े जाएंगे, यहाँ तो एक नहीं पकड़े जाएंगे। फिर सर ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि आखिर गड़बड़ी हो भी रही है, सभी को पता भी है कि लालू राज से भी ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, पकड़े नहीं जा रहे हैं? भाई जो लोग कहें ना कि कुछ ईमानदार ऑफिसर भी वहाँ थे और सत्ता भी वहाँ डरती थी, ये सत्ता बेलगाम है, ये सत्ता बेलगाम है कि सीबीआई से जांच होगी तो ऊपर भी हैं, वो फाइल को रख दिया जाएगा जब से जब तक इनसे रिश्ता रहेगा। मैं कह रहा हूँ सृजन घोटाला में जो वित्तीय अनुशासन की सबसे बड़ी संस्था देश की है, जो हमारे टैक्स के पैसे का हिसाब किताब रखता है, वो चार बार कह चुका इस सरकार को कि हजारों करोड़ रुपया बाहर पैदल घूम रहा है, किसी के दुकान पर, किसी के मकान में, ये सब पैदल घूम रहा है, ये टैक्स का पैसा है। तो वित्तीय अनुशासनहीनता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 8 साल तक मुख्यमंत्री जी उस फाइल पर बैठे रहे, तो इनकी संलिप्तता नहीं थी तो ऐसे बैठे हुए थे? भाई आपको मुख्यमंत्री इसीलिए ना बनाया गया है कि प्रबंधन करें बढ़िया से, चोरी नहीं हो टैक्स के पैसे का। यहाँ तो हर महीने में 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया बैंक से लूटा जा रहा है, जब ये बैंक से 10 करोड़ रुपया लूटा जा रहा है तो हमारे जैसे टैक्स पेयर पर भी वो आएगा, या जो गमछा तौलिया में ज़िंदगी बिता देता है चादर में, उसके भी टैक्स के पैसे से वो हो रहा है। तो ऐसी अराजकता, ऐसी वित्तीय अराजकता, ऐसी कानून की अराजकता कभी आपने देखा? सुशासन कैसे करते हैं? अच्छा, तो फिर क्या होगा बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों का, और बिहार का भविष्य क्या होगा जब ऐसी व्यवस्था बन गई है? तो देखिए, हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों लोग बोल रहे हैं इन बात को। आवाम को इस बात को समझना होगा कि इतने भ्रष्टाचार के बाद, इतनी अराजकता के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़त्म है, न किसी की इज्जत आबरू सुरक्षित है, संपूर्ण अराजकता है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, इसके बाद भी जात के नाम पर, जातीय संगठनों के नाम पर कोई अच्छा काम के लिए जातीय संगठन करें तो अच्छी बात है, इन कुकर्मियों को बचाने के लिए जात के नाम पर लोग वोट देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। राज्य पिछड़ गया है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में बिहार बेस्ट गवर्न्ड स्टेट था, आज वर्स्ट गवर्न्ड स्टेट है, अंतिम स्थान पर है, 119 मानक पर नीति आयोग ने कहा कि यह अंतिम स्थान पर है, अंतिम पौदान पर है, तो इससे बुरी स्थिति और नहीं हो सकती। और हम लोगों का तो समय कट गया, युवा वर्ग जो कमिंग जेनरेशन है वह इतनी गुर्बत में आएगा, इतने हिंसा प्रतिहिंसा हो रही है और बढ़ने वाली है यदि इसी तरह का माहौल रहा।
इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को अविलंब जाना चाहिए, इसका व्यवस्था जनता को सोचना चाहिए। सर एक चीज़ देखा जाता था पहले भी, अगर सरकार मनमानी करती थी तो विपक्ष भले ही कितना कमज़ोर क्यों ना हो लेकिन मुखर रहता था, लेकिन अभी विपक्ष भी जो है ऐसे इतने बड़े बड़े मामलों को लेकर चुप्पी साधे हुए है, इसका सर क्या कारण है सर? अब इसका कारण तो विपक्ष के नेता जो हैं वो बताएंगे कि जहरीली शराब से इतने लोग मारे गए, ये तो एक कुप्रबंधन है ना। सरकार पर 302 का मुकदमा सरकार के मुखिया पर चलना चाहिए, ये हजारों लोग इनके कुप्रबंधन के कारण मारे गए, जहरीली शराब पिला पिला के ये मार रहे हैं, तो ये क्यों नाटक कर रहे हैं शराबबंदी का? ये 20,000 करोड़ रुपया अवैध तरीके से जनता दल यू के लोग कमा रहे हैं। बहुत लोग जानता है किसके होटल में ट्रक का ट्रक चला जाता है, वहाँ से कैसे डिलीवर होता है, और वो मुख्यमंत्री के खास लोग हैं। तो ऐसे लोग जब वो कारोबार कर रहे हैं अवैध तरीके से, लोग देख रहा है कि जिसके पास साइकिल नहीं था उसके पास फॉर्चूनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एक नहीं दो हो गया, और वो भारी मुरेठा बांध करके राजनीति में कूद गया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को देख करके उसी का लोग नकल कर रहे हैं, पढ़ाई में नकल नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि इंजीनियर हो करके क्या करेंगे, यहाँ रातों रात 1-2 लाख का बारह न्यारा हो जा रहा है, यहाँ से खाली माल वहाँ कर देना है। सर एक और प्रश्न है सर, UPSC का रिजल्ट कुछ दिन पहले घोषित हुआ है, नीतीश कुमार ने बधाई दिया जितने भी कैंडिडेट पास हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने जब उसका सर्वे किया, एनालिसिस किया, तो लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट निकाले हैं, मात्र एक कैंडिडेट ने यहाँ से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया और आगे तैयारी वो बिहार से बाहर की है। तो फिर ये इनका जो शुभकामना देने का जो है, क्या इनका हक बनता है कि नहीं बनता है? देखिए शुभकामना तो देना चाहिए उनको, इसलिए शुभकामना देना चाहिए कि प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए भी तसल्ली उनको होनी चाहिए कि हम लाख गर्त में शिक्षा को मिला दें यहाँ, बावजूद यहाँ की मेधा जो चाणक्य की भूमि है वह कभी हार मानने वाला नहीं है। हमारा नेतृत्व चाहे जितना घटिया हो, जितना लुटेरा हो, जितना भ्रष्ट हो, इसके कुप्रबंधन के चलते शैक्षणिक वातावरण संपूर्ण समाप्त हो जाए, फिर भी 50 लोग अपनी जगह बनाए, एक का भी नहीं बनना चाहिए था। बधाई तो इनको देना चाहिए कि हमारे सारे असफलताओं के बाद भी तुम सफल हुए, इसलिए धन्यवाद। सर अंतिम प्रश्न है सर, विजय चौधरी जो हैं वर्षों बाद उनको याद आया कि बिहार में विश्वविद्यालयों की स्थिति बड़ा ख़राब है, और परसों राज्यपाल के यहाँ पहुँचे दौड़े दौड़े, और उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का भविष्य सुधारिए। सर आखिर स्थिति इतनी ख़राब क्यों हो गई कि पटना विश्वविद्यालय लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, अब कहा जाता है कि पटना में रहोगे तो कोई नौकरी निकाल नहीं पाओगे, क्यों ऐसी ख़राब हो गई सर? और राज्यपाल क्या इसे सुधार सकते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी है ये? देखिए राज्यपाल के जिम्मे विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय को राज्यपाल जी ने बर्बाद किया है। महामहिम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए मैं गार्डेड लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि ये जो सर्च कमेटी बनाई गई है ये पॉकेट सर्च करता है, ये पॉकेट सर्च करता है, और जितने उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट लोग हैं, फ्रॉड हैं, जो जाली सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ वाइस चांसलर बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कम मेधा यहाँ के शिक्षकों में नहीं है, लेकिन एक वाइस चांसलर नहीं, छोटे से छोटे पदों पर भी ये मैं कुछ प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, महोदय जी, ये क्या है, बिहार की मेधा को आप पैरों तले रौन देना चाहते हैं? तो ये वाइस चांसलर दोषी नहीं है, इसने तो पूंजी लगाया और पूंजी निकाल रहा है, 30 करोड़ की 40 करोड़ निकाले। तो ये जहाँ जा रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुझे कहने में मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, तो बिहार के लिए मैं ये बात बोलूँगा कि वाइस चांसलर का पोस्ट बेचा जा रहा है, और जहाँ इतना भ्रष्ट वाइस चांसलर हो वह कौन सा प्रेरणा स्रोत बनेगा हमारे नए जनरेशन के लिए?
हम लोग आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा थे वाइस चांसलर, जीपी सिन्हा थे, केदार प्रसाद थे वाइस चांसलर कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में। पैर छूने के लिए लाइन लगता था, अक्रॉस द कास्ट अक्रॉस द रिलीजन लाइन लगता था। इन लोगों का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है। माहौल कैसे बना है? एक दिन में बना है क्या? जो आज हमारे शिक्षा मंत्री जी गुहार लगाने गए हैं, उनको है हिम्मत, सरकार को है हिम्मत जो कहे कि यहाँ पद बेचा जा रहा है? कौन सी सर्च कमेटी ने उत्तर प्रदेश से ही सारा वाइस चांसलर को यहाँ ले आया? बिहार से एक भी नहीं, मध्य प्रदेश से एक भी नहीं, दिल्ली से एक भी नहीं, जेएनयू से एक भी नहीं। ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, कहाँ प्रश्न करने जा रहे हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में इनकी सरकार में इनके शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 50,000 जाली शिक्षक हैं, क्या उसका निष्पादन हुआ आज तक? शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, इस शब्द को इन लोगों ने कलंकित कर दिया। आपने ऐसे शिक्षक दिया क्यों? ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, तब हायर एजुकेशन आता है। ये दोनों को नाश तो सरकार ने किया है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन उनके क्षमता के बाहर की चीज़ है, चूँकि सरकार नहीं चाहती है, बेचना चाहती है डिग्रियों को, बेचना चाहती है पदों को। तो कुछ ऐसे शिक्षक जो विद्वान शिक्षक हैं वो भी कुंठा के शिकार हो रहे हैं, वो भी गाली सुन रहे हैं। मैंने तो कई बार कहा कि शिक्षा मंत्री जी दो विभाग को बकस दीजिए, बाकी सब ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। 25-25 लाख रुपया ले ले करके ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने लोगों को मारा है, जमीन बेच करके लोगों ने जमा किया और लाश लेकर के यहाँ से कोरोना में गए हैं। आप एक सिंपल जांच नहीं करा सकते कि 25 लाख रुपया किस चीज़ में लगा 10 दिन में? ये बारूद का डंपिंग यार्ड है क्या मनुष्य का शरीर? 25 लाख रुपया लिया, 30 लाख रुपया वसूला, 45 लाख रुपया वसूला इन तमाम अस्पतालों ने, कितना हिस्सा दिया है विभाग को, सरकार को? आप एक वाइट पेपर जारी करते। और शिक्षा मंत्री जी यदि गलत शिक्षक बहाल हो गए हैं तो इनकी नौकरी मत लीजिए। ये भी गहना गुड़िया बेच करके नौकरी प्राप्त किए हैं, आपको खरीद के प्राप्त किए हैं, इनको दूसरे विभाग में, नहर विभाग में, सिंचाई विभाग में कहीं रखवाइए और क्वालिटी टीचर एक बार बहाल करके दीजिए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, इनके कालखंड में मास्टरवा कहला रहे हैं, मास्टर साहब, गुरु जी, आचार्य जी, ये मास्टरवा कहे जा रहे हैं। राज सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों ने मिलकर के हमारे मंदिर को, जहाँ से आदमी का निर्माण होता है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है इन बेईमानों ने। तो ये थे अरुण कुमार जी, और इन्होंने बताया कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। सुशासन की सरकार की बातें तो कही जाती है, लेकिन कार्यों में ये कुशासन का सरकार है, और सारे तरह से सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। और सबसे बुरा हालात में है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ पर सरकार उगाही करने में लगी हुई है, और इससे बिहार का जो आने वाला जनरेशन है वो बहुत ही प्रभावित होगा और अंधकारमय उनका जीवन हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।